अच्छा लिहाज भाई, अब मैं देख रहा था और मैं पहले तो एक कहूँ कि इसके ऊपर मेरा व्यू काफ़ी चेंज हुआ है। देखें, जहाँ तक गैर कानूनी की बात है, मैं कहता हूँ सही है, आप इलीगली रह रहे हैं, आपको जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है, अच्छा ये जो कैंप्स हैं वहाँ तक मीडिया की रसाई नहीं है, इतलात जो मिल रही हैं कि वहाँ पर ज़्यादा सहूलत नहीं है, लेकिन अगर हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैदा भी इधर ही हुए थे, वो अफगानिस्तान को जानते ही लाखों 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 कुछ नहीं लाखों तीसरी और चौथी जनरेशन तो यही तीसरी और चौथी जनरेशन वो अफगानिस्तान को जानते ही नहीं है, वो यहीं रहते हैं और कोई ऐसा नहीं है वो दहशतगर्द नहीं, वो क्रिमिनल्स नहीं है। कुछ ऑडियो मैसेजेस भी आए हैं, चाह रहा था कि शेयर करते, शायद इतना टाइम नहीं है। यहाँ सरकारी है नेशनल कमीशन बराए खवातीन, उसने हुकूमत से कहा, अपनी हुकूमत से पाकिस्तान से कहा है कि 30,000 अफगान जो ख्वातीन हैं जो के तालिबान के टेक ओवर के बाद पाकिस्तान आई हैं, वो वापस उन्हें भेजना जो है वो ठीक नहीं होगा, उन्होंने अब समाजी जातियों और पाबंदियों की वजह से ही पाकिस्तान में पना ली है। एक लड़की के डॉन ने जो है वो एविडेंस दिया है कि उसने कहा है कि मुझे तो नहीं पता, मेरा मुल्क तो सिर्फ पाकिस्तान ही है, लेकिन मैं अफगानिस्तान इसलिए नहीं जाऊंगी कि वहाँ फिर मैं पढ़ूंगी कैसे, वहाँ से स्कूल ही बंद है, बकायदा उससे बेहतर है कि मुझे ये जेल में फेंक दे। एक वीडियो है बेचारी बच्ची की, वो उसे पूछा जा रहा है कि क्या ये आपका स्कूल का बस्ता है, चिल्ले हाँ कि क्या आप यहाँ पे पढ़ती थी, हाँ क्या आपको वहाँ पे पढ़ने दिया जाएगा, कहती है नहीं। अच्छा इसके अंदर फिर ऐसे भी लोग हैं, मर्द सिर्फ ख्वातीन नहीं, मर्द भी, जो फॉर एग्जाम्पल अफगान पुलिस के लिए काम करते थे और उनके ऊपर आपको पता है कि उनके ऊपर तो एक निशाना है, अगर वो वापस जाएंगे ना तो उनको भी वापस भेजा जा रहा है। अब मैं जानता हूँ कि जो हमें पता है हमारे रियासत के तरीक़ेकार के, तो मैसी तो होना ही होना था, तो लेकिन ये अब उससे आगे निकल रहा है। तो लिहाज ये बताएं ना कि आप तोरखम बॉर्डर के हवाले से आपको काफ़ी मालूमात है, वहाँ पर जो सीन्स देखे हैं अपने हालिया दिनों में, तो आपको क्या स्टोरी सुनने को मिली जो लोग अपना सारा सब कुछ यहाँ छोड़ कर वापस जा रहे हैं? सदीम जिलानी साहब, हुआ ये है कि ये अमूमी तौर पर जब ये दहशतगर्द गिरफ्तार होते तो इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था। इन लोगों ने वो मरकज का नाम चेंज करके होल्डिंग सेंटर का नाम दिया है, थोड़ा सा ताकि दुनिया को ये ना पता चले कि इनको डिटेन किया जा रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में तीन होल्डिंग सेंटर है, हरिपुर, पेशावर और इसके अलावा लंडीकोतल में। हैरान कुन बात यह कि न तोरखम पर मीडिया को छोड़ा जा रहा है और न ही लंडीकोतल के होल्डिंग सेंटर में मीडिया को छोड़ा जा रहा है। आज किसी न किसी तरीके से मैंने वहां पर गया हूं, उन लोगों से मैंने मुलाकात की है। अब तुमने जिस तरह जिक्र किया, 1,12,000 के करीब इस वक्त तक जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे थे, उन्होंने अक्टूबर और आज 1 नवंबर तक नकल मकानी किए, इनमें से तकरीबन 60,000 के करीब बच्चे हैं। हैरान कर बात यह है कि जब मेरी वालिदैन से बात हुई है तो कह रहे थे कि हमारी बच्चियां वहां पढ़ेंगी कैसे। एक और खातून से जब आज मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मैं 44 साल पहले आई थी और 44 सालों में जब मैंने यहाँ पे गुजारी है तो मैं 10 साल पहले मेरा शौहर भी फौत हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी दवाई है मुझे भी मार दे और मुझे खावन के पहलू में दफन कर दे, क्योंकि मैंने तो अफगानिस्तान जब वहां से आ रही थी तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी, अब मेरी उम्र 44 साल है, तो खुदा रहा मेरे मुझे मार दे क्योंकि मुझे नहीं जाना है अफगानिस्तान। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों स्टोरियां है। लेकिन वसदुल्ला खान साहब, जरार कोड़ो साहब और शदीम जिलानी साहब, एक और बड़ा नुकता है, ये लोग जा रहे हैं तो मैंने इनसे पूछा कि शिकायत आपको क्या है। सबसे बड़ी शिकायत इन अफगान बाशिंदों को हमारी पुलिस से है, कहते हैं कि पुलिस की जेब जब खाली हो जाती है तो ये हमें डर लेते, हमें गिरफ्तार कर लेते थे, हमें तहवील में लेते थे और 1500-2000 से लेकर 25,000 और 30,000 तक रुपए लेकर हमें छोड़ देते थे। आज इस्लामाबाद की सब्जी मंडी के एक आड़ती वो कह रहा था कि मैंने एक मरतबा तय किया था कि मैं इनके खिलाफ अदालत में जाऊंगा, वो कह रहा था कि अदालत में केस पर, उस केस पर मुझे तकरीबन 3,45,000 रुपए की अदायगी करनी पड़ी।